श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। कर्ण पिशाचिनी जो भूत भविष्य वर्तमान बता देती है। मेरा पहला संयोग उस शक्ति को आभास करने का उस साधना से कई दिनों पहले बन गया था। साधना में आए हुए 2-3 साल हुए थे मुझे। मान लो कि मैं अघोर में अप्रेंटिस था, मतलब जब औघड़ और अघोरी हवन करते थे तो हवन के व्यवस्था का भार, हवन करने बैठे उससे पहले हवन सज जाए, जो सामग्री लगनी है वो तैयार हो जाए, जो मिश्रण बनना है वो बन जाए, ये हमारा काम रहता था। एक बार एक बहुत ही पहुँचे हुए साधक जो सिद्ध थे आद्या पीठ के, और उन्होंने अपना घर बनाया था बिहार में। घर मतलब वो विचरते रहते थे, वो ऐसे साधक थे कि अगर भोजन में कुछ नहीं मिला और रोड के किनारे कहीं कुत्ता मर के सड़ रहा है तो वो भी खाते थे, पूर्ण रूप से अघड़ थे और चमत्कार जिसका कोई विश्लेषण नहीं। उन्होंने हमारे साधक भाइयों के माध्यम से मुझे बुलाया, उन्होंने सुन रखा था मेरे बारे में। उनके पास जब मिलने पहुंचा तो वृद्ध थे, 80 साल के, मैंने भी उनका नाम सुन रखा था। बहुत भाव में आया मैं भी उनको देख के, बहुत मिलने की उनसे इच्छा थी, बहुत लालसा थी उनसे मिलने की। उन्होंने बताया कि ये भाव भावना ये सब औघड़ में नहीं होता, काम के लिए बुलाया है। तो मन और प्रफुल्लित हुआ कि इतने बड़े औघड़ के साथ अगर कुछ काम करूँगा तो कुछ तो सीखने मिलेगा। भैरव बाबा को बहुत नमस्कार किया इस मौके के लिए। एक व्यक्ति को लाया गया, मैं उसको जानता था, वो हमारे क्षेत्र का बड़ा कुख्यात तांत्रिक था। कुख्यात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जिससे भी लड़ता था उसका जवाब वो तंत्र से ही देता था। जैसे एक बार होलिका में किसी ने उसके लकड़े का गेट चोरी कर लिया, उसने गुस्से में 7 लोगों पे मारन कर दिया, जिसमें 5 लोग मारे गए किसी न किसी दुर्घटना में। 6ठे ने आकर के उसका पैर पकड़ा था तो वो विकलांग हो गया था। एक बार किसी पनवारी ने उनसे पान के दाम को लेकर के लड़ाई कर ली तो उसको अंधा कर दिया। तो बड़े कुख्यात विख्यात तांत्रिक थे। लेकिन इस बार जो उनसे मिला वो बड़े अलग थे, एक दूसरे भाव में खोए हुए से लग रहे थे, जैसे अवधूत हो गए। मुझे लगा कि साधना के अगले चरण पे पहुंच गए हैं, लेकिन इन गुरुदेव को देख करके वो उनके पैर में गिर गए और बोले कि इस बार मुझे बचा लो, आइंदा से मुझसे गलती होगी नहीं। गुरु मुस्कुराए, उन्होंने बोला इसको बाहर ले जाओ, और उसको बाहर ले जा करके बोला अब ये कुछ करने लायक रहेगा भी नहीं। फिर उसकी कहानी साझा हुई। गुरु ने उसको बोला था कि कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी साधना है जो तुम्हें नहीं करनी है,
तो उसे ऐसा भाव आया कि गुरु शायद नहीं चाहते हैं कि वो आगे निकले। वो एक बंगाली तांत्रिक के पास गए, मतलब वो महिला तांत्रिक थी, 6 महीना रहे और वहाँ से कर्ण पिशाचिनी का मंत्र लेके आए। मंत्र लाने के बाद उन्होंने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया। शुरुआत में धनाट हुए, धनाट इतने कि गुरु को भी भूल गए, क्योंकि जब कर्ण पिशाचिनी आती है तो सामने जो भी व्यक्ति हो उसका भूत पूरा बता देती है, भूतकाल वर्तमान बता देती है और संभावित जो आगे होने वाला है वो बता देती है। तो ये 3 चीज़ें अगर किसी को आप बता दें तो वो आप पे पूर्ण रूप से विश्वास कर लेता है। इन्होंने उस चीज़ का बड़ा लाभ उठाया, लेकिन कोई भी निम्न स्तर की शक्ति को जब आप साधते हैं तो उसका अपना एक दुष्प्रभाव होता है। कर्ण पिशाचिनी को पति चाहिए, वो माँ बेटी ये सब संबंध नहीं मानती है। और इन्होंने जिस विद्या से उनको सिद्ध किया था उसमें इनको अपने शरीर का मल शरीर में लगा के एक अलग कमरा लेके घर से बाहर और मंत्र का जाप करना था 30 रात तक। साधक पुराने थे, इन्होंने कर भी लिया। उसके बाद नियम ये था कि ये हमेशा अपने मल को एक रुई में लगा के कान में रखेंगे। कोई भी व्यक्ति जो ऐसा करेगा ना उसकी मानसिक संतुलन जो है कभी सही नहीं रह सकती। लेकिन उससे आगे ये खेल बढ़ गया। अब वो पिशाचिनी आधिपत्य समझती थी इस तांत्रिक पर और वो उसको उसकी पत्नी के साथ भी नहीं देखना चाहती थी। जब इस तांत्रिक ने इस तंत्र को किया था तो उसकी धर्मपत्नी गर्भ से थी। एक दिन उसकी पत्नी जब घर से बाहर आई तो उसको किसी ने छत पर से आवाज़ दिया और छत पर उसने देखा कि एक नंग धड़ंग पुरुष पिशाच रूप में ऊपर बैठा हुआ है। वो वहीं पर बेहोश हुई, उसका गर्भपात हो गया। वो स्त्री फिर अपनी बीमारी से उभर नहीं पाई और वो पिशाच उसकी धर्मपत्नी को साथ लेता गया। इधर आधिपत्य और लक्षण से मजबूर जो पिशाचिनी थी वो हमेशा इस तांत्रिक के कंधे पे बैठी रहती थी। शुरुआत में वो अच्छी थी, वो इसको जब ये जो पूछे वो बताती थी, लेकिन बाद में वो 24 घंटा बोलती थी, हमेशा इसके कान में कुछ कुछ बोलते रहती थी, चाहे वो काम का हो चाहे वो काम का नहीं हो, लेकिन वो हमेशा बोलती थी उसके बारे में। इससे धीरे धीरे तांत्रिक का मानसिक संतुलन बिगड़ता गया क्योंकि उसका ध्यान कहीं लगता ही नहीं था, हमेशा उसके कान में आवाज़ आती रहती थी। तांत्रिक ने बाद में ये भी बताया कि वो बहुत कुरूपा है, लेकिन धन के लोभ में उसने उस कुरूप पिशाचिनी से संबंध बनाया है और वो पिशाचिनी अब उसको हमेशा संबंध बनाने के लिए बोलती है दिन में कई बार। अमावस्या की रात में उस तांत्रिक को बैठाया गया और गुरु के अलावा हम लोग 4 और आप अप्रेंटिस बोल सकते हैं या फिर कुछ मुझसे ज़्यादा सधे हुए लोग बैठे और एक विधि की गई, एक विधि जिसमें कि कमल के फूलों को रखा गया और उस पिशाचिनी को उसके कंधे से उतार के कमल के फूलों में प्रवेश कराया गया। वो जो कमल के फूल थे, कमल के फूल का अपना कुछ गंध नहीं होता है, कुछ विशेष गंध नहीं होता है, लेकिन उस कमल के फूल में जब पिशाचिनी का प्रवेश हुआ तो उसका गंध एक गंदे शौचालय से भी गंदा था। जिस गाड़ी में हम उस
गुलाब उस फूल को, कमल के फूल को जलाने ले गए, वो गाड़ी कई दिनों तक महकता रहा और श्मशान में जा करके फिर हमने उसका उसको स्वाहा किया। इससे उस तांत्रिक का जान बच गया, सिर्फ जान बचा, उसका जो मानसिक संतुलन था वो वापस नहीं आया। वो आज भी ऐसे बड़बड़ाता रहता है जैसे कि अभी भी उसके कानों में आवाज़ आती है, जो कि नहीं है, लेकिन वो आदि हो चुका है। उसको कभी कभी क्षणिक बोध होता है अपने वर्तमान का, लेकिन वो सिर्फ क्षणिक है, क्योंकि वो मानसिक रूप से परिवार के समाप्त होने से और उस पिचाशनी के टॉर्चर से इतना परेशान हो चुका है कि अब उसे ये नहीं समझ में आता है कि वो जो क्षणिक बोध का जो समय है वो सही है या जो हमेशा निरंतर उसके कान में आवाज़ आती है वो सही है। एक बहुत अच्छे साधक का अल्प लोभ के कारण, अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए और कुछ धन कमाने के लिए, हमेशा के लिए अंत हो गया। कर्ण पिचाशनी साधना होती है, और होती है मतलब इसको करना चाहिए, लेकिन इसको करने का नियम है जो मैं हमेशा बताता हूँ। किसी भी शक्ति को आपको साध करके, उससे ज्ञान लेकर के और उसको तुरंत विसर्जित कर देना चाहिए। अगर आप शक्तियों से लाभ लोगे तो शक्तियाँ आपसे इतना लाभ लेंगी जितना आप इस जन्म में एक मनुष्य के तौर पे देने में सक्षम नहीं हो। इसीलिए अल्प सिद्धियाँ नीच सिद्धियों में आप ना पड़े। आज के लिए इतना ही, कथा यहाँ पे विराम। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरा नंबर है 9431188585, उसमें जुड़िए। आसन, बंधन, ये सब मैं उसमें सिखाता हूँ। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantrahasya.xyz पर जाइए, अपॉइंटमेंट सेक्शन है, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath@cm4 सर्च कीजिए तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, उस पर बात कर सकते हैं। कथा को विराम। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।